चले हम इसके ऊपर देखते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस को। तो हम पहले इसको शेप्स पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लिया है ताकि आपको दिखा दूं कि ये हमने शेप्स के ऊपर काम करना है। क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखिए जैसे हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, वॉट एवर कोई भी शेप हो सकता है, जैसे हमने कोई स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है या फिर इस तरह से कोई और शेप हमने कस्टम शेप से बना रखा है, तो उसमें जैसे हम क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं तो अब ब्लेंडिंग ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी लेयर पे क्लिक करेंगे। एक ही लेयर पे बन गई दोनों, एक अलग लेयर पे बना लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम चले जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में। और सबसे ये लेगेसी फीचर है, पुराना फीचर भी है इसका। आप देखें इस शेप के ऊपर हम बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, तो यहाँ से हम क्लिक करके ड्रॉप शेडो जैसे ही करेंगे तो उसका एक शेड क्रिएट होगा। शेड पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो हम उसके जो शेड में डिस्टेंस है उसके यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद उसका स्प्रेड लेवल हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद उसके साइज को हम सेट कर सकते हैं कितना उसको करना है। अच्छा, इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई कलर नहीं है, हमें उस पर कोई कलर फिल करना है, तो यहाँ से ड्रॉप शेडो को ऑफ कर लेंगे, कलर ओवरले का इफेक्ट लगा देंगे तो जो भी कलर उसके अंदर था उसके ऊपर ये कोई दूसरा कलर फिल कर देगा। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कलर फिल हो जाना चाहिए, लेकिन कलर इसकी आउटलाइन पे फिल हो रहा है तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से हम गए तो यहाँ पर देखिए फिल में तो नन है, हालांकि मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे फिल के ऊपर और फिल पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कलर लिया तो अब इसके अंदर एक कलर फिल हो गया और स्ट्रोक को ख़त्म करके मैंने नन कर दिया। अब जाते हैं दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ से क्लिक करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे अब मैं कलर ओवरले को लगा रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर जो भी कलर था वो हम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं और ये कलर उस कलर के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, वो कलर को रिप्लेस कर देगा और जैसे ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम ड्रॉप शेडो लगाते हैं इसके ऊपर तो देखिए शेड नज़र आ रहा है। अब शेड का पहले मुख्तलिफ एंगल्स पे हम ये लगा सकते हैं, जैसे साइज कितना हो शेड का, स्प्रेड लेवल क्या हो इसका और इसके अलावा डिस्टेंस कितना हो इसका नीचे ऊपर कहाँ पे, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक यूज ग्लोबल लाइफ इफेक्ट है, इसको भी हम समझेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इसको चेक हटा रहा हूँ और इसके एंगल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि शेड का एंगल क्या पड़े, मतलब इस साइड का एंगल दिखाई दे या फिर इस साइड का एंगल दिखाई दे या सेंटर में दिखाई दे, उसको यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो भी हमने यहाँ से दो इफेक्ट्स चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर इस लेयर के साथ ये दोनों इफेक्ट एसोसिएट हो जाएंगे। और अगर हम चाहें इफेक्ट्स को ऑफ करना तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, दोबारा से ऑन करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक एक इफेक्ट को ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कलर ओवर लेके इफेक्ट को ऑफ कर दें, ऑन कर दें, ड्रॉप शेडो के इफेक्ट को ऑफ कर दें, ऑन कर दें। और अगर ये इफेक्ट इस पर से रिमूव करने हो तो क्या करेंगे, इसके लेयर पर राइट बटन दबाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर लेयर स्टाइल, जैसे ही क्लियर लेयर स्टाइल करेंगे ये इफेक्ट इस पर से खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ से जाके क्लिक करके अंडू कर लेता हूँ और फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर यही स्टाइल जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं वही सेम स्टाइल मुझे इस वाले लेयर के ऊपर अप्लाई करना है इस ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे राइट बटन दबाऊंगा और एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी लेयर स्टाइल। जैसे कॉपी लेयर स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा और जाके इस लेयर पे क्लिक करूंगा और राइट बटन दबाऊंगा और उसको कहूंगा पेस्ट लेयर स्टाइल, तो आप देखेंगे कि वही स्टाइल वही इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएंगे। कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसका फिल खाली है, इसके फिल में अगर हम कोई भी कलर डालेंगे तो वो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो कलर ओवरले का इफेक्ट में कलर था वो यहाँ पर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से एक इफेक्ट के बाद दूसरा इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रोक की तरफ, तो स्ट्रोक को हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे और यहाँ से चले जाएंगे हम स्ट्रोक की तरफ। तो जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। अब जब स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा इफेक्ट का तो स्ट्रोक इफेक्ट में भी यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस हैं, जैसे पहला तो है साइज़ का, तो ये देखें साइज इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन अब जो साइज़ बढ़ रहा है वो इनसाइड बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट के आउटसाइड नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये साइज़ आउटसाइड जाए तो यहाँ क्लिक करके मैं आउटसाइड का ऑप्शन ले लूँगा। उसके बाद जब मैं साइज को एक्सटेंड करूंगा तो आउटसाइड बढ़ेगा। अब मसला ये कि स्ट्रोक का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है तो वो दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ से क्लिक करके बैकग्राउंड के कलर को भी दूसरा कलर दे देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे आउटसाइड बढ़ेगा। अब इस पर तीसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं सेंटर, तो यहाँ से आप जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे दोनों साइड पर बढ़ेगा, इनसाइड भी और आउटसाइड भी इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ स्ट्रोक बढ़े, ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ स्ट्रोक बढ़े, वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। स्ट्रोक की थिकनेस कितनी है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। स्ट्रोक का जो टाइप है वो क्या हो, फिल टाइप, फिल टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें कलर सॉलिड कलर फिल करा जाए, ग्रेडियंट कलर फिल करा जाएगा, तो आप ग्रेडियंट इफेक्ट भी ले सकते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट इफेक्ट की बड़ी आपके पास क्वांटिटी मौजूद है, जो भी क्वांटिटी आप इस पर से इफेक्ट की लगाएंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके उसको भी एंगल सेट कर सकते हैं कि आप किस एंगल पे चाहते हैं, जैसे इस एंगल पे अप्लाई करना चाहते हैं, इस एंगल पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस एंगल पे चाहते हैं उस एंगल पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं स्टॉक को तो पैटर्न भी लगा सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न आपके पास होने चाहिए, जो भी पैटर्न है आप उस पर लगा सकते हैं इजीली। यहाँ से खोलें इस पैटर्न को और इसमें जो भी पैटर्न था हम उस पर क्लिक करेंगे वो पैटर्न देखें इसके सराउंडिंग पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑपेसिटी यानी कि स्टॉक का जो एरिया है वो कितना फेड हो कितना लाइट हो, यहाँ से ऑपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी साइज को क्लिक करके कंट्रोल कर सकते हैं। वंस अगर आपने स्ट्रोक अप्लाई कर दी है तो वो स्ट्रोक इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब स्ट्रोक को अगर ख़त्म करना है तो राइट बटन दबाएंगे, दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएं और यहाँ से जाके एक तरीका ये है कि यहाँ से चेक हटा दें। जैसे चेक हटा देंगे यहाँ से उसको ओके करेंगे स्ट्रोक पर से तो वो स्ट्रोक इस पर से ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर मल्टीपल स्ट्रोक कैसे दे सकते हैं, जैसे हम एक स्ट्रोक के ऊपर दूसरा स्ट्रोक देना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएंगे और यहाँ पर इसको एक स्ट्रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्लिक किया, एक स्ट्रोक दिया जो कि व्हाइट कलर का था। अब इस व्हाइट कलर के ऊपर एक और स्ट्रोक देना जो ब्लैक कलर का हुआ था, इसको यहाँ से ऐड करेंगे स्ट्रोक को और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये दूसरा स्ट्रोक जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अब ये स्ट्रोक दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये इनसाइड है, अब हम इसको रखेंगे आउटसाइड। तो ये देखें इसके आउटसाइड पे एक स्ट्रोक आ गया, एक इनसाइड हो गया, एक आउटसाइड हो गया और इस तरह से जितने स्ट्रोक चाहें आप लगाते जाएं, इस पर इफेक्ट लगा दें। अच्छा, इसके बाद फिर एक और इफेक्ट लगाना है, सपोज तो इसको ग्रेडियंट में लगाना है तो ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके कोई और स्टाइल ले लेंगे और फिर थोड़ा सा इसके साइज को एक्सटेंड करेंगे तो अब ये उसके थोड़ा बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा और इसके बाद कोई और स्ट्रोक लगाना चाहें, सपोज ये वाला स्ट्रोक लगा दें, क्लिक करके ओके कर दें तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रोक क्रिएट करने पर इस तरह का मामला अप्लाई हो जाता है। अब कितने स्ट्रोक आपने लगा दिए, 3 स्ट्रोक लगा दिए आपने, जो स्ट्रोक ऑफ करके देखना ऑफ करके देख लें, ऑन करके देखना ऑन करके देख लें, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस स्ट्रोक को रिमूव करना चाह रहे हैं उस पर कैसे ख़त्म करेंगे, क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और जो स्ट्रोक आपको ख़त्म करना है उस स्ट्रोक पर से जाके यहाँ से चेक हटा देंगे एंड देन ओके कर देंगे तो ये स्ट्रोक इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह के मामला आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। अब आते हैं एक और ऑप्शन की तरफ, ये हमने शेप पर करके देखा, अब हम करके देखते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो यानी शेप्स को हमने यहाँ से हटा लिया और उसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पर रख लिया, अब करते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख रखा है जिस पर हमने शेप्स लिख रखा था और उस पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई करते हैं इसको, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर देते हैं, ये कर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद इसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। हम स्ट्रोक करते हैं स्ट्रोक से, तो मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगाया और ऑलरेडी 3 स्ट्रोक इस पर लगे हुए हैं। अच्छा, जो यूज़ हो गए वो बता रहा था। स्ट्रोक पे क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे और मैं यहाँ से चला गया स्ट्रोक्स पर। तो ये पहला स्ट्रोक मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इस पर लगाना था, ये इतना गहरा हो गया स्ट्रोक के उसको पूरा ही हाइड कर दिया था। मैं इसको स्ट्रोक को आउटसाइड पे लगाता हूँ और आउटसाइड पे लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कलर दिया ब्लैक कलर का। तो ये देखिए हल्का सा स्ट्रोक इस पर लग गया और उसको यहाँ से अप्लाई को बढ़ाएंगे तो ये देखिए मामूली सी चेंजेस से कितना हाईलाइट आपका टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसी लेयर की एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लेते हैं और उस पर कोई और किस्म का स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से दोबारा चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस पर एक अलग किस्म का स्ट्रोक लगाते हैं, जिस पर क्लिक करके स्ट्रोक के ऊपर यहाँ से हम आउटसाइड पर रख के इसको ग्रेडियंट दे देते हैं और जैसे ग्रेडियंट देंगे इस स्ट्रोक पे तो यहाँ पे क्लिक करके इसका स्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं। तो इसके बाद जैसे इसका साइज को एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए अच्छा सा इफेक्ट इस तरह से बन जाएगा और यहाँ से इसके आउटसाइड इनसाइड फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये देखें इस तरह के अच्छे से इफेक्ट्स भी बन सकते हैं। स्ट्रोक और भी अच्छे बन सकते हैं, अगर डिपेंड करता है टेक्स्ट के ऊपर कि अगर हम किस तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं। सपोज चूँकि हमने यहाँ पे STROKES लिख दिया स्ट्रोक्स और इसके अंदर जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे थे वो थोड़ा डिफरेंट कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स थे, जैसे कि ये वाला फॉन्ट भी अच्छा है और इसी फॉन्ट को यूज़ करते हुए हम स्ट्रोक लगाएंगे। कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म किया, ऑल्टर शिफ्ट की मदद से इसको हमने बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अब इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, किस तरह से अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कहीं क्लिक करा ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर और इस पर क्लिक करने के बाद हम स्ट्रोक कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं कि एक स्ट्रोक तो हमने इस तरह का लगाया जो कि ये ऐसे नज़र आ रहा था और इस पर क्लिक करके हमने यहाँ से इसको आउटसाइड ही करके और इसको सिंगल कलर पर कर दिया तो ग्रेडियंट हटा के हमने इसको एक सिंगल कलर दे दिया। तो इस तरह के कलर्स में हम जो भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे का ग्रीन कलर लिया और ग्रीन का ही डार्क कलर लगा के इसको ओके कर दिया। अब एक और स्ट्रोक लगाया इसके ऊपर जो इसके आगे नजर आएगा उस पर क्लिक किया और वहाँ से उसका जो आउटसाइड रखे इसको हमने कर दिया ग्रेडियंट में और यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट ग्रेडियंट्स हमें नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ग्रेडियंट जो है हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे रखा इसको लीनियर पे और यहाँ पे रखा इसको साइज के ऊपर। तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट भी हम ईजिली बना सकते हैं, ठीक है, और ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रोक भी ईजिली क्रिएट किया जा सकता है। अक्सर आप पोस्टर्स में कॉम्प्लेक्स में
रैपर्स पे बच्चों के देख रहे होते हैं, इस तरह के अच्छे से इफेक्ट्स बने हुए होते हैं, तो इसके अंदर इजीली इस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम वाइट का वाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ कहें वाइट ट्रांसपेरेंट, तो वाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट कैसे बनेगा इसके ऊपर, और उस पर स्ट्रॉक भी लगे हुए होंगे, तो यहाँ पे वाइट के ऊपर वाइट बनाने के लिए हमें कंट्रोल टी किया, स्पॉल्टर शिफ्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और बड़ा करके हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। अब वाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसको यहाँ पे रख लिया। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक किया और यहाँ से चले गए हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाने के बाद कलर ओवरले में हमने इसको व्हाइट कलर दे दिया। जैसे हमने इसको व्हाइट कलर दिया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया और इस तरह से नजर आने लग गया। स्ट्रॉक पे क्लिक करके देखें, ऐसा व्हाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छा करना चाहें इसके ऊपर ड्रॉप शेडो लगा दें। शेड लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से इसके शॉर्ट की एपेसिटी को कम ज़्यादा करके साइज को इस तरह से हल्का सा दिखाएंगे, तो ये देखें इस तरह से अच्छा सा टेक्स्ट इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें व्हाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी इस पर इस तरह से इजीली लगाया जा सकता है। और इसके अंदर अच्छा काम ये भी किया जा सकता है कि व्हाइट के ऊपर व्हाइट को भी उभार दिया जा सकता है, कि अगर उसके ऊपर इस तरह से काम किया जाए कि ओके, इसी वाइट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट का मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ जो टेक्स्ट के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे इस तरह से ले लिया, यहाँ पे रख लिया इसको। अब उसके बाद क्लिक करके हमने यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद हमने ये किया कि इस पर क्लिक किया, इस पर दो स्ट्रॉक लगा रहे थे, व्हाइट पर व्हाइट लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम ये करते हैं कि व्हाइट के ऊपर व्हाइट ही स्ट्रॉक लगा के और उसको कैसे दिखाएंगे। तो स्ट्रॉक भी व्हाइट कर दिया, उसको भी व्हाइट कर दिया, तो टेक्स्ट तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, लेकिन हमारा जो शेड है वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा जो ड्रॉप शेडो पर दिया हुआ है। इस शेड को हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, और उसका डिस्टेंस और चीज़ों को कुछ मेंटेन करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा, और फिर ये आपको नजर आएगा। ठीक है, तो वाइट के ऊपर वाइट भी दे सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप और मजीद ऐड कर दें ऐड स्ट्रॉक करके आउटसाइड पर, लेकिन उसका थोड़ा डिस्टेंस आपको कम करना होगा, जो स्ट्रॉक की जो पोजिशन है तो हल्के से स्ट्रॉक के साथ ऐसा भी दिखा सकते हैं आप इसके ऊपर, ये वाला इफेक्ट भी ईजिली क्रिएट किया जा सकता है। तो स्ट्रॉक किस तरह से देना है, ड्रॉप शेडो किस तरह से देना है, कलर ओवरले कैसे लगाना है शेप्स पर, टेक्स्ट पर, ये आप इस पर इजीली कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें मुख्तलिफ और भी आपको आगे चल के समझ में आएंगी चीज़ें किस तरह से कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें फिर आप जब देखेंगे फोटोशॉप में कैसे काम हो रहे होते हैं तो वो भी आपको समझ में आने लगेगी। इवन दो कि हम इस लेयर के ऊपर भी स्ट्रॉक लगा सकते हैं। लेयर के ऊपर स्ट्रॉक कैसे लगाएंगे, देखिए हमने यहाँ से क्लिक किया अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे इसमें मौजूद हैं, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म में डाला, और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि लेयर को स्ट्रॉक कैसे देंगे। तो लेयर को स्ट्रोक देने के लिए हमें करना ये होगा इसके ऊपर सिंपली, ये हमारा जो आर्ट बोर्ड है इसके नीचे ये एक लेयर सबसे बैकग्राउंड में ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके एक नया लेयर ले लें इसके ऊपर, और इसको उठा के यहाँ से इसके अंदर ऐसे अप्लाई कर दें। अब इस लेयर में कोई कलर तो है नहीं, तो कोई भी कलर डाल दें इसके अंदर, ये हमने ग्लीड कलरिंग इसके अंदर भर दिया। पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाके इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कलर इसका चेंज करना है, कलर ओवरले में क्लिक कर दें, अगर वाइट ही रखना है तो ठीक है, स्ट्रॉक पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, स्ट्रॉक पे क्लिक करके अब यहाँ पे आउटसाइड है तो इनसाइड कर देंगे, और किस तरह का स्ट्रॉक लगाना है वो यहाँ से चूज कर डिसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये इसके बॉर्डर के तौर पर भी स्ट्रॉक बढ़ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से डबल ट्रिपल स्ट्रॉक जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और इस तरह आपके ये मामला भी यहाँ पे इस तरह से सेट पा जाएंगे कि जो भी आपने करना है। इसके अलावा ब्लूज कलर शेड्स है हमारे पास, पर्पल्स थे वो कलर शेड, ये ब्लू कलर शेड्स को अगर हम यहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरह के शेड्स हैं, और ये इस तरह से नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओके करेंगे तो ये देखें हल्के से चेंजेस के बाद आपका ये कुछ इस तरह से इफेक्ट नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं, और फिर जितने भी आगे मामला आएंगे उनमें ये चीज़ें अप्लाई करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसमें ये भी समझ लें कि लेयर स्टाइल को एक लेयर से कॉपी करके दूसरे पे कैसे अप्लाई करना है, लेयर स्टाइल को एक लेयर पर से क्लियर कैसे कराना है, एक एक इफेक्ट को कैसे ख़त्म करना है, अवेल करना है, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अगले असाइनमेंट्स में आपको आसानी हो।